आज हमने स्टार्ट करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है जिसको हम गेस्टो इंटरसिंगल ट्रैक भी कहते हैं इसमें हमने डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह से औरल कैविटी इसोफिगस और स्टोमिक <coughs> का रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन का कौन से पार्ट में कहाँ पर डाइजेशन होती है कहाँ पर एब्जॉर्बशन होती है ठीक है वेस्ट मटेरियल जो है वो किस तरह से बॉडी से बाहर रिमूव होता है इसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी आपको टर्म्स का डिफरेंस आना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस्ट्रो इंस्टिनियल मोटेलिटी और इट्स कंट्रोल की <laughs> जो गैस्ट्रो इंटस्टिनल ट्रैक होती है उसमें टिश्यूज़ भी होते हैं और टिश्यूज uh, जो मिलके आपस में सेलुलर uh, लेयर और ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ठीक है उसके बाद है कि uh, इसकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में uh, जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेस्टिव ट्रैक की वो डिफरेंट होती है uh, उनकी फ़ूड की बिना पे साइज की बिना पे ये जो स्मॉल इंटरसाइन की हम लेंथ की बात करते हैं उसमें मोस्टली ये होता है कि जो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा जितनी लेंथ स्मॉल इंटरसाइन की ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जो है वो एब्जॉर्बन जो है मटेरियल की वो ज्यादा से ज्यादा होगी हम सिरोसा लेयर की बात करते हैं जो कि जो गैसो इंटरचिन ट्रैक है उसकी जो आउटर लेयर है ठीक है और यही सिरोसा जो है ये किससे मिलके बनी होती है एपिथेलियल सेल्स से ठीक है और ये जो सेल्स होते हैं आपस में मिलके शीट बनाते हैं जिसे पेरिटोनियम कहते हैं ठीक है और ये पेरिटोनियम जो होती है ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको लाइन करती है ठीक है उसको इसका ये मतलब है कि ये उसकी कवरिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी की और जो इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं एब्डोमिनल में ये उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के अटैक से ये हमारे पास जो ममेलियन गैस्ट्रो ट्रैक है इसमें ये दिखाई गई ये जो आउटर लेयर है जो कि जिसे हम सिरोसा कहते हैं और उसके बाद हमारे पास मसल्स है मस्कुलर लेयर मौजूद है जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की बनी हुई है दोनों में जो हम मसल्स यूज करते हैं वो स्मूथ मसल्स के तीन तरह के मसल्स होते हैं एक स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स और सिकलेटल मसल्स ठीक है मोस्टली हम इसमें जो बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो मोस्टली स्मूथ मसल्स होंगे या कहीं पे सिकलेटल मसल्स होंगे जो कार्डियक मसल्स है वो मोस्टली हार्ट में मौजूद होते हैं उसके बाद जो सर्कुलर मसल्स के जो नीचे लेयर होगी उसे हम कहेंगे सबमिकोसा लेयर और उसके बाद इसकी जो इनर सब मिकोसा में जो इनर लेयर होगी उसे मिकोसा कहेंगे और मिकोसा का क्या, क्या काम होता है जैसे ही फूड जो वो लाइनिंग को ल्यूमन से गुजरती हैं ल्यूमन कहते हैं कैविटी को जो कि डाइजेस्टिव कैविटी होती है हमारे पास उसको हम ल्यूमन कहते हैं और इसी ल्यूमन में से फूड गुजरती है ठीक है और इसी ल्यूमन में से फूड गुजर के जो है वो स्टोमिक तक और इसो से और नेक्स्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरती है और जब ल्यूमन से गुजरती है जो वॉल म्यूकस की लाइन को टच करेगी तो उससे यह है कि म्यूकस की सिक्रीशन होगी और म्यूकस का काम ये होगा कि जो एसीडिक और जो बेसिक मीडियम होता है वो फूड को प्रोवाइड करना और इस तरह से जो फूड होगी वो लुब्रिकेट की जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस से गुजारा जाएगा Uh, यहाँ पे uh, दो uh, टर्म्स है पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन uh, सेगमेंटेशन और पेरिस्टालसिस में क्या uh, डिफरेंस है जो फूड होती है uh, वो माउथ से एंटर होने के बाद uh, फेरेंगस और फेरेंस से ईसोफिगस से गुजरने के बाद uh, जब uh, इसो से गुजरने के बाद अः uh, स्टोमिक और स्टोमिक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो प्रोसेस होता है उसका उसमें से जब गुजरती है एक स्टेप बाय स्टेप तो उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस ठीक है और जब फूड जो है अपोजिट डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल स्टोमिक से इसोफिगस में मूव करती है या स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमिक में मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में या बैकवर्ड मूव करती है तो उसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टॉलसिस प्रोसेस ठीक है जब फूड बैकवर्ड uh, में मूव करेंगी उससे यह है कि वॉमिटिंग होगी जिसकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी <coughs> और यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है सेगमेंटेशन में ये होता है कि जो हम बात करते हैं गेस्ट्रो ट्रैक उसमें जो मसल्स मौजूद होते हैं जिसकी अभी हमने बात की के, सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गी चिडनल मसल्स होते हैं यही मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बैक और फोर्थ में जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड में मूवमेंट क्रिएट करते हैं और फूड को जो है ऑसिलेट करते हैं और जितनी भी सिक्रीशन होती हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूकस से और हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे के स्टोमिक uh, से कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूसेज में सिक्रीशन होती हैं पेंक्राटिक जूस में कौन सी सिक्रीशन होती हैं वो किस तरह से फूड uh, में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है थेक्या? और इसी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो बैकवर्ड और फोर्थवर्ड uh, 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 जो मूवमेंट होगी सेम ही प्लेस पे उसे हम कहेंगे सेगमेंटेशन ये जो पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन है दोनों एक ही टाइम में और एक ही प्लेस पे होंगे ठीक है <coughs> और मोस्टली स्पिंगटर्स की हम बात करते हैं स्पिंगटर्स जो स्टोमिक में या डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद हैं तो उन का ये काम होता है कि जो अपवर्ड से जो फूड आ रही है उसको डाउनवर्ड मूव किया जाए और डाउनवर्ड से फूड जो है वो दोबारा अपवर्ड ना जा सके ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर एंटी एंटीपेरेस्टोलसिस की जब हम बात करते हैं तो ये उससे हमें प्रिवेंट करता है और इसमें हम आ, जब स्टमिक की पढ़ेंगे तो उसमें हम दो स्टिंग पढ़ेंगे कार्डिक स्टिंग और पायलोरिक जो कार्डियर होगा ये हमारे पास ईसो और स्टोम के दरमियान में यहाँ पे मौजूद होगा ठीक है पायलोरिक की जब हम बात करते हैं तो वो स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो है उसके कनेक्शन पे मौजूद होता है जो कि फूड को स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो गुजरने देता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमिक में नहीं गुजरने देता के बाद हम औरल कैविटी की बात करते हैं कैविटी <coughs> में ये इसमें सबसे पहले जब हम फूड को डाइजेशन uh, के लिए इंगल्फ के लिए प्रोसेस uh, को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम फूड को टेस्ट करते हैं टेस्ट बट के के और टेस्ट बर्ड के थ्रू उसके अलावा फूड की सिलेक्शन और स्मेल देखते हैं और स्मेल चेक करने के बाद फिर फूड uh, को जो है वो औरल कैविटी जिसको हम माउथ भी कहते हैं उसमें एंटर uh, करते हैं और इस तरह से ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये वोलेंट्री uh, होता है वलेंट्री मीन ये कि हमारे कंट्रोल में होता है लेकिन जब यही प्रोसेस जब माउथ uh, से गुजरने के बाद इस uh, फिगर्स की बात करते हैं तो ये uh, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता ये इन जो है वो स्वेलिंग शो करता है ठीक है और ये लिप्स जो हैं वो ये रिटेन फूड एज इट बींग च्यूट एंड प्ले रोल इन फोनेशन लिप्स का जो रोल होता है वो साउंड uh, की प्रोडक्शन में भी होता है साउंड uh, की मॉडिफिकेशन में इसके अलावा फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है फूड uh, की जो सिलेक्शन है uh, वो हम नोज uh, के थ्रू जो है वो करते हैं उसके अलावा <coughs> यही जब ओरल कैविटी कंटे इसमें टंग और टीथ होते हैं ठीक है टंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं जो कि फूड की सिलेक्शन में हेल्प करते हैं और टीथ की जो हम बात करते हैं वो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं फूड को ग्राइंड करने में उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं मोस्टली uh, टिथ में जो एनिमल पार्ट होता है अः एनिमल जो है वो जो टीथ का वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है और इस तरह से ये इसमें क्योंकि ये जाज भी कंटेन करता है और टिथ भी कंटेन करता है और इस तरह से ये जाज और टिथ जो है ये फोर्स लगाते हैं फोर्स की वजह से हम फूड जो है उसको ग्राइंड कर सकते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब ऑरल कैविटी में फूड को एं, एंटर किया जाता है तो जो स्ल प्रोड्यूस किया जाता है फूड के एंटर होने के बाद जो माउथ होता है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है एनिमल uh, कवरिंग नहीं होती जब हम टिथ की बात करते हैं तो एनिमल uh, में सॉरी uh, टिथ में जो है वो दो पार्ट्स मौजूद होते हैं सेम इसी तरह से जब हम टिथ की बात करते हैं उसमें केनाइनसाइजर्स मोलर्स uh, और प्री मोलर्स जो है वो मौजूद होते हैं जब हम टिथ की बात करते हैं एक हम कहते हैं टिथ uh, में मसल को ठीक है तो वो जो मसल्स होते हैं उसमें जो है वो टिथ इनरोल होता है और इस तरह से जो टीथ होते हैं जो हार्ड हमारे जो व्हाइट हमें दांत नजर आ रहे हैं उसको हम एनिमल कह रहे हैं और इसी एनिमल की वजह से हम फूड को जो है वो क्रश कर सकते हैं ग्राइंड कर सकते हैं ठीक है जिन लोगों में दांत नहीं मौजूद होते उनमें आप देखेंगे कि वो जो फूड होती है उसको इजीली नहीं ग्राइंड कर सकते वो मोस्टली जो सॉफ्ट चीजें होते हैं उसको खाते हैं फोनेशन uh, का ये मतलब है कि जो साउंड की प्रोडक्शन होती है फॉर uh, एग्जांपल अगर हम माउथ uh, की बात करते हैं लिप्स की बात करते हैं लिप्स से हम बोलते हैं तो उससे uh, जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है ठीक uh, है लेकिन इसके अलावा जो अदर ऑर्गन्स हैं उसकी बात करते हैं तो उससे हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते है. इससे ये होता है कि जो वोकल कार्ड्स होते हैं जैसे कि हम वाइस बॉक्स लेरेंग्स को कहते हैं तो इसमें जो वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं उनका ये काम होता है कि वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और इसी को ही फोनेशन कहते हैं ओके okay. नेक्स्ट जब फूड ओरल कैविटी में एंटर होने के बाद स्लाइवा uh, जो है वो प्रोड्यूस करता है स्लाइवा क्या होता है ये एक वाटर फ्लूड उठता है आर एट लीस्ट थ्री पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स ठीक है इसमें तीन तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और इन स्लाइवरी ग्लैंड्स का ये क्या होता है कि ये स्लाइवा की सिक्रीशन करवाते हैं हम और यही स्लाइवा जो होता है वो फूड को मॉइस करता है और मॉइस करके उसको जो है वो बोलस में कन्वर्ट कर देता है वो पहले सॉलिड फूड होती है और उस सॉलिड को जो है वो मॉइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है इसमें तीन जो हम ग्लैंड पढ़ते हैं वो हमारे पास हैं एक सब लगल ग्लैंड और सब और पेरियोटेड ग्लैंड इनकी जो लोकेशन होती है ये डिफरेंट होती है ठीक है और इन्हीं लोकेशन की बिना पे जो इनका काम होता है वो मोस्टली यही होता है कि जो फूड हमने इनगल्फ की उसको हमने सॉलिड एज ए सॉलिड की तरह उसको इनगल्फ किया लेकिन जब हम जैसे ही ऑरल कैविटी में एंटर करते हैं जो एंटर करने के थ्रू जो सिक्रीशंस होती है माउथ से वो उस फूड को लुब्रिकेट करके उसको वॉइस मास कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम बोलस कहते हैं इस लाइवा में जो है वो बाई भी मौजूद होते हैं इसके अलावा थायोसिनेट आयंस भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा इन एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं यहाँ पे जो हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की और दूसरे की इनका बेसिकली ये काम होता है कि इन्होंने जो फूड होती है उसकी जो पीएच होती है उसको स्टेबलाइज करना होता है उसको अल्कलाइन बनाना होता है ठीक है जब हम एल की बात करते हैं तो उसने एसिडिक फूड की मीडियम को बनाना होता है जब हम बाई कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो उन्होंने जो बेसिक मीडियम होता है अल्कलाइन मीडियम होता है वो बनाना होता है उसकी पीएच जैसे आपको पता है कि जो एसिडिक होता है उसकी पी एच जीरो से लेके हम सेवन काउंट करते हैं ठीक है सेवन हमारे पास न्यूट्रल पी होती है और सेवन से लेके हमारे पास जो फोर्टीन तक होती है उसे हम अल्कलाइन पी कहते हैं ठीक है और इन ये जो बफर्स बनाए जाते हैं ये बेसिकली इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पी होती है उसको मेनटेन किया जा सके और जो लाइसोजाइम का काम है वो आपको पता है कि इसका काम है कि डाइजेस्टिव ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम जो होते हैं उनको किल करना होता है इसके अलावा हम यहाँ पे एक एंजाइम पढ़ते हैं अमाइलेज अमाइलेज का जो बेसिकली काम होता है औरल कैविटी में ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का होता है जितने भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब हम एक फूड इनगल्फ करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपर्स सब मौजूद होते हैं लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट उस फूड में होंगे वो माउथ में औरल कैविटी में ही डाइजेशन हो जाएगी थ्रू अमाइलेज एंजाइम यहाँ पे हम जितनी भी एंजाइम्स की बात करेंगे वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो डाइजेशन फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की हम पढ़ेंगे तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम्स होंगे और लिपिड्स के लिए अलग एंजाइम होंगे लेकिन यही जो अमाइलेज होता है जब हम पेंक्रियाज पैंक, की बात करते हैं वहां पे भी सेम यही एंजाइम होगा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जो 100 परसेंट डाइजेशन है वो कम्प्लीटली माउथ में कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती इस तरह से जो कुछ जो है रिमेनिंग रह जाती है वो डिफरेंट जैसे जैसे हम पार्ट्स पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक के तो वहां से गुजरते हुए इनकी डाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि फूड जब माउथ से एंटर होने के बाद फेरंक से गुजरती है ये ओवरऑल ये ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ ये ओरल कैविटी है ओरल कैविटी में हमारे पास ये टिथ और टिथ के जो इनवर्ड जो मौजूद है वो हमारे पास टंग है और टंग के बाद हमारे पास स्लाइवरी के जो तीन टेयर है वो मौजूद है एक हमारे पास सबल स्लाइवरी ग्लैंड है पेरियो स्लाइवरी ग्लैंड है और इसके अलावा है मेंडिबल जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड ठीक है इनकी लोकेशन की बिना पे जब ये डिफर करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं की फेरेंगस का हम ये ए, कहते हैं कि ये कॉमन पैसेज है जब हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं और जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं ये दोनों में कॉमन पैसेज है ठीक है और इसके बाद इसगर से फूड गुजरेगी और इसो से गुजरने के बाद नेक्स्ट जो है वो अः ये देखें ये आपको यहाँ पे अटैच स्टॉमिक है यहाँ पे जो स्विंगटर मौजूद होगा उसे हम कहेंगे कार्डियर ये okay, नेक्स्ट yeah, जो है वो स्टोमिक के साथ अटैच होगा और यही स्टोमिक जो है इधर से फूड जो है वो नेक्स्ट पायलोरिक से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी यहाँ पे हम बात करते हैं सब्ल्यूंगल ग्लैंड्स की ठीक है ये बिलो द टंग होते हैं और इसके अलावा जो सब मिगजरी ग्लैंड हैं ये बिहाइंड द जास होते हैं ठीक है और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो सबमेंडिब्युलर जो स्लाइवरी ग्लैंड हैं इनका काम ये होता है कि ये इन फ्रंट ऑफ एयर होते हैं ठीक है ये एयर के बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद होंगे

खाने के बाद ही हम पानी या आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं जूसेस की बात कर रहे हैं वो हम बाद में पी सकते हैं ठीक है जैसे हम फूड एंटर करते हैं ये जो स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास तीन पेयर्स मौजूद है इनका बेसिकली काम ये होता है कि स्लाइवा को प्रोड्यूस करना और स्लाइवा का, का काम ये होता है कि जो फूड हमने इनगल्फ की है माउथ में उसको मॉइस किया जा सके मॉइस का ये होता है कि उसको लिक्विड uh, मीडियम और सॉलिड दोनों प्रोवाइड किए जाएं ठीक है जब उसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों ऐड होंगे तो उसे हम कहेंगे बोलस क्लियर है आ, और इसके अलावा हम फेरिंग्स की बात कर रहे थे कि एक कॉमन पैसेज है दोनों के दरम्यान में डाइजेस्टिव और रेस्परेटरी ट्रैक दोनों के दरमियान में ठीक है लेकिन जब हम रेस्पारेशन की बात करते हैं तो हम ट्रेकिया की तरफ चले जाते हैं कि जो एयर होती है है वो से गुजर के के थ्रू में एंटर हो जाती ठीक है लेरेंग से गुजर के लेकिन जब हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फूड जो है वो फेरेंग से गुजरने के बाद ट्रेकिया में एंटर नहीं होती उसके ऊपर एक ग्लोटिस जो है वो मौजूद होता है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं या ढक्कन उसको आप कह लें वो ढक्कन इसलिए होता है ताकि वो ट्रेकिया जो है उसको कवर कर सके ताकि फूड जो है वो फेरंग से गुजरने के बाद इसोफिगस में ही जाए वो ट्रेकिया में एंटर ना हो ठीक है और इस तरह से जब सेलिंग होगी और इस तरह से जब फूड जो है वो ईसो तो फिगर्स में एंटर हो जाएगी तो ये जो फूड की जो एंट्री होती है वो हमारे लिए इन एंट्री हो जाती है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके बाद है कि फेरेंस uh, और ईसो का जो बेसिकली काम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का है ना कि उनकी डाइजेशन करवाने का जो मोस्टली डाइजेशन होती है वो स्टॉमिक में स्मॉल इंटेस्टाइन में और माउथ में होती है ठीक है जो माउथ में डाइजेशन होती है उसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन मकैनिकली उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसमें हम टिथ को यूज करते हैं ताकि फूड को ग्राइंड और मेस्टिकेट किया जा सके ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं स्टोमिक uh, की और स्टोमिक uh, में जो हम फूड को डाइजेशन की जाती है वो केमिकली डाइजेशन होती है केमिकली क्यों होती है क्योंकि उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें हम डिटेल uh, देखेंगे और इस तरह से uh, जो स्मॉल इंटरसाइन है उसमें भी जो डाइजेशन होती है उसमें मकैनिकली और केमिकली दोनों डाइजेशन होती हैं <coughs> ये हमारे पास स्टॉमिक का स्ट्रक्चर है इसमें ये हमारे पास इसोफिगस का पार्ट है यहाँ पे इसोफिगस एंड होगी और ये जो हमारे पास जो हमें होल नज़र आ रहा है जिसको हम स्पिंक्टर का नाम देते हैं यहाँ पे कार्डिक स्पिंक्टर होता है ठीक है और यही स्पिंक्टर जो है ये ओपन होने की वजह से फूड इसोफिगस से स्टमिक में एंटर होगी ठीक है और स्टोमिक के थ्रू जैसे ही फूड एंटर होगी तो जो बोलस जो है वो इसकी लाइनिंग को टच करेगा स्टोमिक की जो लाइनिंग है उसमें म्यूकस जो है वो मौजूद होती है म्यूकोसा से लेयर बनी होती है और वही जो म्यूकोसा होती है वो म्यूकस को सिक्रीट करती है uh, म्यूकस को सिक्रीट करने के अलावा इसमें हम जो है वो और भी इसमें डाइजेशन पढ़ते हैं जिसमें के हमारे पास <coughs> Uh, इसमें सेल्स की डिटेल uh, है कि पेरिटल सेल्स मौजूद होते हैं इसके अलावा इसी में जो है वो जाइमोजिन सेल्स होते हैं इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करना uh, ठीक है uh, जो जाइमोजिन सेल्स हैं वो पेप्सिनोजिन बनाएंगे पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है uh, यही जो इनएक्टिव फॉर्म है uh, जो हमारे पास uh, पेरिटल uh, सेल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को रिलीज uh, करते हैं उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से जो हाइड्रोजन होती है वो इन्हीं पे एड करके जो पेप्सिनोज़िन होती है उसको पेप्सिन uh, में कन्वर्ट करती है जो कि एक्टिव फॉर्म है ठीक है ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो स्टोमिक का स्ट्रक्चर है इसमें ये हमारे पास सब म्यूकोसा लेयर है जो कि आउटर है ठीक है और ये हमारे पास म्यूकोसा लेयर है ठीक है जो कि मसल्स की बनी हुई है और ये जो हमारे पास इनर है ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है और इसके अलावा जब हम इनका डायसेक्शन देखते हैं तो ये ओवरऑल इसमें म्यूकोसल सेल्स के अलावा हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन करेंगे गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे ठीक है इसमें हमारे पास ये पेरिटल सेल्स हैं ये चीफ सेल्स हैं यही जो हमारे पास चीफ सेल्स हैं इनको हम जाइमोजिन सेल्स भी कहते हैं ठीक है और इन जाइमोजिन या चीफ सेल्स का जो बेसिकली काम होता है वो ये है कि इन्होंने पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करनी होती है जो पेप्सिनोजिन होती है वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है ठीक है और इसके जो अपोजिट में है वो हमारे पास पेरिटल सेल्स हैं और इनका काम ये होता है कि इन्होंने आ, <coughs> एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होता है और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाना होता है और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से जो एच होता है हाइड्रोजन होता है वो पेप्सिनोजिन पर एक्ट करके पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसे हम पेप्सिन कहेंगे और यही जो एक्टिव पेप्सिन और एंजाइम होता है इसका बेसिकली ये काम होता है कि इन्होंने पेप्टोन्स और पोली बनाने होते हैं है यहाँ पे जितने भी डिटेल की गई है ये मैंने इसमें आपको सारी बताई है आ, नहीं इसमें स्टमिक uh, के लिए हार्मफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हमें जो पेप्टोन्स और पोली पैप्टाइड्स हैं उनकी प्रोडक्शन चाहिए ठीक है और वो प्रोड्यूस तब तक नहीं होंगे जब तक कि एच प्रोड्यूस नहीं होगा इसी एच में से जो हाइड्रोजन होता है उसको हमने एज ए एनजाइम यूज़ करना था फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन में जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में चेंज करने के लिए ठीक है तो हमें एनजाइम जो है वो चाहिए होता है और सेम इसी एंज़ाइम की तरह यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है एच में से वो एज ए एंजाइम वर्क करता है और अगर ये हाइड्रोजन नहीं मौजूद होगा तो ये जो पैपसिनोजीन जो है हमारे पास इनएक्टिव है ये एक्टिवेट नहीं हो सकेगा और इसी एक्टिवेशन की वजह से पेप्टोन्स और वो पोली नहीं होंगे जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो उसकी डाइजेशन स्टोमिक में नहीं हो पाएगी ठीक है जो फूड होगी वो अनडाइजेस्टेड ही रहेगी क्लियर है यहाँ तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे वो गैस्ट्रिक जूसेस के थे ठीक है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू प्रोडक्शन की गई थी नेक्स्ट हमने जो एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं स्टोमिक में उनका बेसिकली ये काम होता है कि म्यूकोसा को रिलीज करना तो वही म्यूकोसा जो है जो एच सी एल का बेसिकली काम होता है वो ये भी होता है कि जो स्टॉमिक का जो मीडियम होता है उसको एसिडिक रखना ठीक है नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पेंक्रियाज की तो वो आप उसमें देखते हैं कि वो एसिडिक कंडीशन में वर्क नहीं करता पेंक्रियाज ठीक है उसमें एच प्रोड्यूस ही नहीं होता एज कम्पेयर टू जब स्टोमिक uh, की बात करते हैं तो वो एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है ठीक है लेकिन पेंक्रियाज में जस्ट जो है वो बाइकार्बोनेट्स uh, प्रोड्यूस uh, होते हैं और उनका बेसिकली काम होता है कि बेसिक कंडीशन क्रिएट करना और स्टॉमिक uh, जो है वो एसिडिक इंडियशन में वर्क करेगा एज कम्पेयर टू पेंक्रियाज के फूड uh, जैसे ही टच होगी लाइनिंग को जो म्यूकस की लाइनिंग uh, होती है स्टोमिक uh, वॉल की तो एच जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और सेम इसी तरह से uh, जो हमारे पास जाइमोजिन सेल्स हैं जा, चीफ सेल्स हैं वो भी पेप्सिनोजिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और जैसे फूड एंटर होगी तो ये उसकी प्रोडक्शन से होगा फूड की एंट्री से लेकिन जब जो फूड जो है वो एंटर नहीं होगी तो एच जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा ठीक है हम यहाँ पे जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टोमिक की बात करते हैं तो जैसे फूड की एंट्री होगी इसोफिगस से स्टोमिक में स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है या पेंक्राइटिक सिक्रीशन है या जो डुडिनल सिक्रीशन है वो तब होंगी जब फूड एंटर करेगी जब फूड एंटर नहीं होगी तो कोई भी सिक्रीशन जो है वो नहीं होगी क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टोमिक में जो म्यूकोसा होता है जो म्यूकोसा लेयर होती है वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन ठीक है और ये जो गैस्ट्रिन है इसकी प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ स्टोम में होती है उनको ठीक है ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है का जो इसमें एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं जैसे ही म्यूकस जो है वो रिलीज होगी उसका ये काम होगा कि गैस्ट्रिन को रिलीज करना और ये जो गैस्ट्रिन है ये हार्मोन है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अभी पढ़े थे ये पेरिटल है चीफ सेल्स हैं और म्यूकोसल सेल्स हैं इनका बेसिकली ये काम होगा कि इनको स्टिमुलेट किया जाए इसी गैस्ट्रिन के थ्रू <coughs> उसके बाद ये जब फूड स्टोमिक से जो है वो एंटर हो जाएगी और तकरीबन तीन से जो चार घंटे होंगे खाने के बाद जो स्टॉमिक में जितने भी हम गैस्ट्रिक की बात करते हैं या एच है पेप्सिनोजिन है पेप्सिन है ठीक है ये जो सब जब रिएक्शंस हो जाएंगे तो इसके थ्रू जो फूड जो है वो सेमी लिक्विड बन जाएगी ठीक है ये सब सम, समॉल जितनी भी ये चीजें हम गैस्ट्रिक सिक्रीशंस पढ़ रहे हैं स्टोमिक के थ्रू तो उससे है uh, ये semi, है कि ये सेमी जो लिक्विड है मैस बन जाएगा जिसे हम कायम कहेंगे ठीक है जब हम माउथ में बात करते हैं तो उससे हम बोलस कहेंगे जब हम स्टोमिक की बात करते हैं तो आफ्टर ऑल जब सब क्रीशन जो हैं वो स्टोमिक से उसी फूड में आ, आ, एंटर हो जाएंगे उसमें मिक्स हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे काइम और इस तरह से ये पायलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जो है वो काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाएगा जिसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है Uh, वो दोबारा से कनेक्ट करके देखे मे बी आपका इश्यू सॉल्व हो जाए और इस तरह से जब स्टॉमिक जो है वो uh, uh, खाली हो जाएगा तो जो पेरिस्टालसिस जो वेव्स होंगी वो इसमें जो है वो स्टॉप हो जाएंगे स्टॉमिक में ठीक है जो पेरिस्टालसिस जो कॉन्ट्रेक्शन uh, है वो मोस्टली इसलिए होती हैं जो फूड जो होती है उसको अपवर्ड से डाउनवर्ड लेके आया जा सके ठीक है फूड को मिक्स जो है वो वॉल से जो जोशन होती है उनको मिक्स किया जा सके और इसके अलावा हंगर पैक की हम बात करते हैं हंगर पैक ये होता है कि आफ्टर अबाउट टेन आवर्स ऑफ फास्टिंग फास्टिंग के दस घंटे बाद न्यू वेव अकर इन द अपर रीजन जो अपर रीजन होता है उसमें न्यू वेव जो है वो क्रिएट हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो सिचुएशन जो होती है वो हर्ट बन जो है वो सिचुएशन होती है अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं हंगर पैक्स और ये मैसेज जो है वो हमें किस तरह से आएगा ये मैसेज जो है वो हमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये कैरी करते हैं इम्पल्सिस को ब्रेन से ठीक है जो ब्रेन से जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज को लेके आएंगी इम्पल्स के थ्रू नर्व इम्पल्स के थ्रू ठीक है और इस तरह से टेन आवर्स के बाद फास्टिंग के जो अपर रीजन होता है का, उसमें वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं जो कि अनकंफर्टेबल सेंसेशन क्रिएट करती हैं जब दस घंटे तक खाना ना खाया जा सके जिससे कि हम हंगर पैक्स कहते हैं यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ लें क्योंकि दो मिनट है फिर ये बंद हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो पेप्सिन है एक मिनट जो पेप्सिन है वो मोस्टली एक्टिवेट होगा जैसे हम रिएक्टेंट्स uh, की बात करते हैं एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है जब एरो के निशान पे जब हम बात करते हैं कि ऊपर एंजाइम्स मौजूद होता है एंजाइम्स की मौजूदगी में जो एक रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है जो उसमें एच जो होता है एच सी एल से जो हाइड्रोजन होता है वो एज ए एंजाइम वर्क करता है और वो पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है तो वो एक्टिव हो जाता है पेप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म है और uh, <coughs> यह हाइड्रोजन की मौजूदगी में होता है सेगमेंटेशन uh, की ये बात है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मसल और लगी मसल जो है वो दोनों मौजूद होते हैं जो सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं ठीक है और इसके जो ऑपोजिट में हम पेरिस्टॉलिस की बात करते हैं तो जो मसल्स मसल उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो उससे हम पेरिस्टॉलिस कहते हैं ठीक है जो सर्कुलर मसल्स उनकी कॉन्ट्रेक्शन को सेगमेंटेशन uh, और पेरिस्टालसिस में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उनकी कॉन्ट्रेक्शन को पेरिस्टालसिस और दोनों जो है वो एट द टाइम होते हैं ताकि जो फूड होती है उसको uh, ऊपर से जो है वो अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड मूव किया जा सके पेप्सिन जो है वो हमारे पास पेप्सिन पेप्सिन रिलीज नहीं करते वो पेप्सिनोजिन करते हैं पेप्सिनोजिन जो रिलीज करते हैं वो जाइमोजिन या चीफ सेल्स होते हैं ये जो आपकी ये जो लेक्चर है इसमें ये सारा लिखा हुआ है जो जाइमोजिन सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं जो कि इनएक्टिव होती है और जो सेल्स वो एच वो एचसीएल को रिलीज करते हैं और एचसीएल में से जो एच होता है वो पैप्सिन पे एक्ट करके उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है क्लियर है यहाँ तक